हेलो दोस्तों, इंटरनेट से पैसे कमाने के एक नया एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज आप जानोगे अपने स्मार्टफोन से मंथली 15 से 20 हजार रुपए कमाने का एक सिंपल तरीका। इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और ये एकदम जेन्युइन काम है। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और जिस तरह घूमना सबको पसंद होता है, उसी तरह ज्यादातर लोगों को फोटो खींचना भी पसंद होता है। आज के समय में हर कोई अपने स्मार्टफोन से एक सुंदर सा HD फोटो खींच सकता है। और दोस्तों, फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा टैलेंट। और दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी जेन्युइन साइट्स हैं जो कि इन फोटोज को खरीदती हैं और इन पे बेचना बहुत आसान है। आप अपने स्मार्टफोन या कैमरे से खींची हुई इन सुंदर सी HD फोटोज को इन वेबसाइट पे बेचकर मंथली 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। दोस्तों घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाना काफी पॉपुलर बनता जा रहा है और सीरियसली आज के समय में इंटरनेट से पैसे कमाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। सिर्फ आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और उसमें थोड़ा सा सुधार करना है। और दोस्तों, इंटरनेट से पैसे कमाने का सीधा फंडा ये है कि अपने टैलेंट और हार्डवर्क से रियल लोगों को रियल वैल्यू देना स्टार्ट कर दो, आप ऑनलाइन पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा फोटो वीडियो ग्राफिक्स ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है और दूसरों की आप फोटो वीडियो ग्राफिक्स को यूज नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के। तो कमर्शियली जितने भी लोग खरीदते हैं इन ग्राफिक्स फोटो वीडियो को, वो दोस्तों पहले परचेस करते हैं। इंटरनेट पे कई ऐसी साइट हैं जो कि स्टॉक इमेजेस को खरीदती हैं और उन्हें बेचती हैं काफी अच्छे प्राइस में, जैसे संदीप महसोई सर की कंपनी हो गई imagesbazaar.com, आलमी, फोटोमोटो, shutterstock.com जैसी कई सारी वेबसाइट हैं। आप भी इनके साइट पे अपने फोटोज को आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह की जितनी भी साइट है जहाँ पे आप अपने फोटो को बेच सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन से, छानबीन करने के बाद मुझे एक बेस्ट साइट मिला है जिसका पेमेंट काफी सिक्योर है, सेल भी हर साल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे अपलोड करना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वो कौन सी साइट है और कैसे आप अपने फोटोज को बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, उस साइट का नाम है shutterstock.com। ये एक जेन्युइन साइट है और 150 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज में ये ग्लोबली फोटो सेल करती है। इसकी सेल हर साल बढ़ रही है, इसका पेमेंट भी काफी सिक्योर है। यहाँ पर आप एनिमल, नेचर, फ्लावर्स, ट्री, रोड, कार्स, अजीब लोग, कई कैटेगरी के फोटोज को बेच सकते हो। और दोस्तों, फोटो लेते समय ध्यान दे, आपकी फोटो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, HD होनी चाहिए, 4 MB से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फोटो की साइज कम है तो कई सारे एंड्रॉयड ऐप है जिससे कि आप अपने फोटो को एडिट करके उसकी साइज को भी इनहेंस कर सकते हो और अट्रैक्टिव बना सकते हो। और बहुत सारे YouTube पे ऐसे चैनल हैं जो स्पेशली स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करना सिखाते हैं, उसका भी सहारा लेके आप एक सुंदर HD फोटो खींच सकते हो 4 MB का। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे अपने खींचे हुए फोटोज को अपलोड करना है, कैसे पेमेंट मिलेगा आपको, कैसे सेल होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ज्यादा सेल हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे करके दिखाऊंगा और उसके बाद मोबाइल से करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, गूगल में जाके आपको सर्च करना है shutterstock.com। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट shutterstock कंट्रीब्यूटर के इस होम पेज पे जा सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोग shutterstock.com के होम पेज पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नए कस्टमर आते हैं उनको ये $29 में 10 इमेज देता है, यानी एक इमेज के आपके $2.9 तक मिल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको बेचना है तो यहाँ पे सेल कंटेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज बता रहा है कि आपको हाई क्वालिटी की इमेज एंड वीडियो बनानी है, आप वीडियो भी बेच सकते हो। फिर उसको सबमिट करना होता है, यानी अपलोड करना होता है। फिर आपके हर एक डाउनलोड्स के पैसे मिलते हैं जो कि $2 पर डाउनलोड्स के हो सकते हैं और मोर देन $500 बिलियन पैसे ये दे चुका है जो भी फोटोज बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कंट्रीब्यूटर फॉर्म। यहाँ पे आपको वो नेम डालना है जो रियल नेम आपका है, जो आपके बैंक से मिलता जुलता है, क्योंकि जो पैसे आएंगे इसी नेम से आएंगे। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे वो नेम डालो जो आप चाहते हो अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हो, कोई भी नेम डाल सकते हो। जब भी कोई आपके इमेज को डाउनलोड करेगा तो यही नेम वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है। और यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड और यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट भर देते हैं। तो पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे एक मेल पे एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा, तो वहाँ पे जाना है और वेरीफाई कर देना है। तो चलिए अपने मेल पे चलते हैं और फटाफट वेरीफाई कर देते हैं।
तो देख सकते हो दोस्तों, ये वो मेल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लिखा है साफ साफ ऑलमोस्ट देयर, बस यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये वेरीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट का एक बटन आपके सामने एक दिख जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों आप अगले प्रोसेस में चले जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एड्रेस भरना है, यहाँ पे दो तरह के एड्रेस भरना है, पहला रेजिडेंशियल और दूसरा मेलिंग एड्रेस। फ्यूचर में कभी भी शटर स्टॉक आपको कोई भी मेल करेगा तो इसी एड्रेस पे करेगा, मेलिंग एड्रेस पे। तो चलिए फटाफट भर के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग एड्रेस भर दिए हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारा अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे इमेज अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो हम अभी इमेज अपलोड नहीं करेंगे, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये है वो आपका शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर का मेन डैशबोर्ड, जहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप इमेज एंड वीडियो को अपलोड कर सकते हो, यही वो बटन है जहाँ से आपको अपलोड करना है। इस एरो पे क्लिक करोगे तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो यहाँ से, और जो भी वीडियो इमेज अपलोड करोगे उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा, कितने अभी अपलोड हो चुके हैं, कितने पेंडिंग में हैं, कितने अप्रूवल में हैं, पूरा ये सारा डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे नॉट एट सबमिटेड, कितने ऐसे हैं जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो पेंडिंग अप्रूवल, क्योंकि शटरस्टॉक बहुत रेपुटेड साइट है, जो भी आप फोटो इमेज अपलोड करते हो यहाँ पे तो इसकी टीम उसको अप्रूव करती है। अगर जो भी पेंडिंग में है तो कितने ऐसे आपके इमेज हैं जो कि पेंडिंग में है, उसका यहाँ पे आपका स्टेटस देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले नेम में डाला था वही नेम दिखाता है, ओरिजिनल नेम छुपा देता है, ये ओरिजिनल नेम हाइड कर देता है। और यहाँ पे आप अनपेड अर्निंग देख पाओगे, जो भी अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है, और यहाँ पे आपको शो करेगी कितनी अनपेड अर्निंग है आपकी, और यहाँ पे आपकी कितनी अर्निंग हुई है आप चेक कर पाओगे। ऊपर नीचे आओगे तो यहाँ पे अर्निंग के टाइप्स, और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाकर आप हर तरह की सेटिंग को चेंज कर पाओगे, चाहे वो ईमेल आईडी हो या एड्रेस हो, हर तरह की सेटिंग को आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग से रिलेटेड सारे चेंजेस, और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस से रिलेटेड सारे चेंजेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट पे आउट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो भी आपने डॉलर में कमाया है उसको आप कैसे अपने खाते में भेजोगे, तो यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन है, और ये सेटिंग आपको जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो नेम है आपका मेक पेमेंट टू, ये बिल्कुल एस पर अकाउंट कर लें, जिस भी अकाउंट में आपका जो भी पेपाल अकाउंट है उसी के अनुसार ये नेम कर लें। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन है आपके पास, एक है पेनियर का है, दूसरा है पेपाल का, और तीसरा है स्किल का। तो दोस्तों पेपाल सबसे बेस्ट है, इस समय सबसे बेस्ट पेपाल चल रहा है। पेपाल पे एक सिंपली अकाउंट बनाना होता है और वहाँ पे आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हो, जो भी बैंक अकाउंट चाहते हो जिसमें आप इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हो उसको इस पेपाल के अकाउंट में ऐड कर सकते हो, और ये बड़ा सिंपल है अकाउंट बनाना। चाहो तो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ कैसे पेपाल पे अकाउंट बनाते हैं, और वैसे भी बहुत यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जिससे आप सीख के पेपाल अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेपाल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मिनिमम पे आउट, आपके खाते में अगर आप कितना चाहते हो मिनिमम पे आउट का, मतलब अगर $50 कर देते हो तो अगर आपके खाते में $50 आते हैं तो ये सीधे आपके पेपाल अकाउंट में चला जाएगा, और वहां से आप अपने इंडियन बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मैं यहां पे $50 करके सेव कर देता हूं। तो दोस्तों ये तो थी अकाउंट सेटिंग, और अकाउंट सेटिंग के नीचे एक और बटन है, वो है पर्सनलाइज माई पोर्टफोलियो। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो पे इमेज भी लगा सकते हो, अपने स्टोर को और अट्रैक्टिव बना सकते हो, यहाँ से इमेज लगा सकते हो, यहाँ से टैगलाइन डाल सकते हो अपने स्टोर से रिलेटेड, और यहाँ पे आप अपना लिंक भी शेयर कर सकते हो किसी को अपने स्टोर का। तो दोस्तों चलते हैं अपने मैन डैशबोर्ड पे और वहाँ से फोटो अपलोड करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही आप मैन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने डैशबोर्ड पे हैं, और इमेज अपलोड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे जाओगे जहाँ पे आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे एक तुरंत पॉपअप होके ये स्क्रीन खुलेगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज आपकी 4 MB से कम नहीं होनी चाहिए, अगर वेक्टर इमेज है वो भी तो 4 MB से कम का इमेज मत डालें, एटलीस्ट 4 MB का होना चाहिए। और अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो FTP फाइल में होनी चाहिए, और आप वीडियो को अपलोड करते समय FTP फाइल में गॉट इट पे क्लिक करके सिलेक्ट मल्टीपल फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं उसको चूज कर लीजिए। दोस्तों फोटो अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो जल्दी अप्रूव्ड हो जाए तो दोस्तों जो भी डिफॉल्ट में नेम आता है उसको चेंज कर दो, रीनेम में जाके
जो भी रियल फोटो है उससे से रिलेटेड टैग डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे वाटरफॉल का वाटरफॉल वाले इमेज को अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे रीनेम में वाटरफॉल लिख दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, रैंकिंग और अप्रूव्ड होने में काफी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों फोटो का ओरिजिनल टाइटल डाल के यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो आप देख सकते हो ये अपलोड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपलोड हो चुका है, और अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम इस वाले पेज पे आएंगे, और यहाँ पे हमें एक पॉपअप हुआ है स्क्रीन, और ये बोल रहा है कि उस इमेज का कुछ डिटेल डालें। तो यहाँ पे स्टार्ट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना होगा उसकी डिटेल ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे इस टिक बॉक्स पे हम टिक कर देंगे, तो ये सारी डिटेल भरने की आ जाएगी। तो सबसे पहले आप एंश्योर कर लें कि आपने जो भी इमेज डाला है क्या आपने उसका रीनेम चेंज किया था सही में कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने वाटरफॉल चेंज कर दिया था, तो हाँ ये कंफर्म है कि मैंने इसको चेंज कर दिया है। और यहाँ पे इमेज टाइप में इमेज कर देना है, और यहाँ पे यूजर्स में कमर्शियल कर देना है। अगर आप कमर्शियल करते हो दोस्तों तो जो भी यूजर इसको परचेज करेगा वो इसको बेच सकता है। अगर आप यहाँ पे एडिटर करोगे तो वो इसको बेच नहीं सकता है, वो सिर्फ यूज करेगा और इसको बेच नहीं पाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको 5 वर्ड एटलीस्ट कुछ भी डालना है इस फोटो के बारे में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन पुणे हिल स्टेशन। और यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है कि ये इमेज किस कैटेगरी में आता है। तो ये मेरा वाटरफॉल है तो मैं नेचर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो आपके इमेज को सर्च में लेके आते हैं। यहाँ पे आप अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज करके अपने इमेज को टॉप पे ले आ सकते हो। जब भी कोई यूजर आएगा और जो भी आप कीवर्ड डालोगे उससे रिलेटेड सर्च करेगा, तो आपका इमेज वहाँ पे रैंक करेगा, उसके सामने दिखाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेचर डाला, तो नेचर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल दोस्तों ये आपकी सेल करने में काफी हेल्प करेगा। और इस तरह आप देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड आजकल ज्यादा सर्च में आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप इमेज डाल के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 7 तरह के कीवर्ड डाल दिए हैं, आप 1-2 से भी काम चला सकते हो। जितना ज्यादा कीवर्ड डालोगे उतना ही अच्छा है, 7 से ज्यादा नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया हूँ, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये मेरा इमेज अपलोड हो चुका। तो दोस्तों इस बटन पे क्लिक करके आप और भी इमेज अपलोड कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डैशबोर्ड में यहाँ पे पेंडिंग इमेज दिखा रहा है। अब ये इमेज अपलोड हो चुकी है हमारे तरफ से, अब शटरस्टॉक की टीम इसको रिव्यू करेगी और इसको वेरीफाई कर देगी, और 1 या 2 दिन में हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारा इमेज वेरीफाई हो चुका है। और जैसे आपका इमेज अप्रूव्ड हो जाएगा फिर ये शटरस्टॉक के स्टोर पे लाइव हो जाएगा, और जब कभी भी कोई भी कस्टमर इस इमेज को परचेज करेगा तो दोस्तों आपको डॉलर्स मिलेंगे। जो भी पेमेंट बनेगी आपकी इमेज की सेल की वो सबसे पहले शटरस्टॉक के पास जाएगा, और वो कुछ कमीशन रखेगा और बाकी आपके अकाउंट में भेज देगा। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एक ही इमेज आपको $100 तक कमा कर दे सकती है, क्योंकि दोस्तों शटरस्टॉक्स को 150 देश के लोग यूज करते हैं और डेली परचेज करते हैं। सोचो दोस्तों अगर 150 देश से कितने मिलियंस लोग डेली शटरस्टॉक से परचेज कर रहे हैं। अगर आपकी इमेज को 1000 डाउनलोड्स मिल गए तो आप उसी दिन आप $100 से ज़्यादा कमा सकते हो, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कब तक कमाएगी। आपकी इमेज अब लाइफ टाइम तक आपको रोज कुछ ना कुछ पैसे देने के लिए तैयार है, अगर वो बिकती है तो सोचो दोस्तों अगर आप डेली ऐसे 10, 12, 5, 6 रोज इमेजेस अपलोड करते हो, और 1 साल के अंदर आपने 100 से भी ज़्यादा इमेज अपलोड कर दिया, और उसमें से सभी के सभी ये लाइव हैं, सभी के सभी एक्टिव हैं, तो रोज 15-20 डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं। और 15-20 डाउनलोड का मतलब $10, और $10 का मतलब ₹700। तो सोचो दोस्तों आपने सिर्फ 1 साल का मेहनत किया और आपने एक ऐसा एसेट बना दिया है जो कि आप जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक ये शटर स्टॉक रहेगा लाइफ टाइम तक रोज कुछ डॉलर देंगे कमा के आपको, और आपको मेहनत नहीं करनी है। तो डेली आप 500, 200, 100 रुपये, 50 रुपये कुछ ना कुछ पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे यहाँ से। तो ये पॉकेट खर्च के लिए और पार्ट टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये तो था लैपटॉप से कैसे फोटोज़ को बेचते हैं। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आइए देखते हैं कैसे आप इन फोटोज़ को स्मार्टफोन से भी बेच सकते हो बहुत आसानी से। तो दोस्तों शटरस्टॉक ने स्मार्टफोन के लिए स्पेशल ऐप बनाया हुआ है जिसका नाम है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। प्ले स्टोर में जाके आप इस ऐप को ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके सर्च करो शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, और जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही वो ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ।
तो दोस्तों इस ऐप को खोलते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। साइन अप पे क्लिक करके आप यहाँ पे मोबाइल में अकाउंट बना सकते हो, सेम वही स्टेप भर के जो कि अभी मैंने लैपटॉप पे करके दिखाया है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है और हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर देंगे। तो दोस्तों साइन इन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का मेन होम पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करके आप इमेज भी अपलोड कर पाओगे और पूरा कितनी अर्निंग हुई है वो सब कुछ चेक कर पाओगे। इस ऐप को यूज करना व्हाट्सएप से भी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी होगी तो इस मैन वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो हर तरह की सेटिंग को आप चेंज कर पाओगे, जैसे ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ यहाँ पे चेंज कर पाओगे या फिर डिस्प्ले नेम। और अपलोड करने के लिए आपको इस डॉलर वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, फिर इस अपलोड के बटन पे क्लिक करके गैलरी सेलेक्ट करो या फिर डायरेक्ट कैमरा से भी खींच सकते हो और डायरेक्ट गैलरी में आपको ले जाएगा और जहाँ पे भी आपका इमेज है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपलोड होते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 100% अपलोड हो चुका है। इस पे क्लिक करना है और इसकी सारी डिटेल भर देनी है फटाफट। कीवर्ड ये अपने आप दिखाता है और कैसे भरना है सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों इस तरह आपने देख लिया कैसे आप शटरस्टॉक से फोटो को भेज सकते हो। इस ऐप को यूज करना व्हाट्सएप से भी आसान है। तो दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन है और जब कभी घर से निकलो तो अपना स्मार्टफोन कैरी जरूर करो। रास्ते में कोई भी एनिमल, ट्री, प्लांट्स या फिर कार, कुछ भी अट्रैक्टिव दिखा उसका फोटो खींच लो और घर पे आके अपलोड करना स्टार्ट कर दो। आप ऐसे भी अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। शटरस्टॉक पे जाओ और देखो कौन से ज्यादा इमेज सेल हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे ज्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड आप भी फोटो खींचना स्टार्ट कर दो। और फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करना सिखाते हैं, कैसे आप अपने सिंपल फोटो को अट्रैक्टिव बना सकते हो, तो उनको यूज करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे अपलोड करते करते जब आपके स्टोर पे 40-50 इमेजेस अपलोड हो जाएंगे तो धीरे धीरे सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों ये सेल लाइफ टाइम तक आएगी, जब तक ये शटरस्टॉक जिंदा है, जब तक ये शटरस्टॉक अवेलेबल रहेगा तब तक कुछ ना कुछ सेल आती रहेगी। और दोस्तों एक इमेज 1000 डाउनलोड्स भी दे सकती है और लाइफ टाइम जब तक पड़ी है तब तक ये डाउनलोड देती रहेगी। और अगर आपको रोज 20-25 डाउनलोड आते हैं तो इसका मतलब $10 और $10 का मतलब दोस्तों 700 रुपये। तो 700 रुपये यानी महीने का 21,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो इस फोटो सेलिंग से। और आने वाले समय में जैसे जैसे डिजिटल सब कुछ हो रहा है वैसे वैसे लोगों को फोटो, बैनर, ग्राफिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और वो ज़्यादा मात्रा में इमेज को परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए शटरस्टॉक धीरे धीरे अपनी सेल को बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्मार्टफोन उठाओ और फोटोज़ को खींचना और अपलोड करना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों ये ऐसा काम है कि आप बोर भी नहीं होगे और वैसे भी फोटोज़ खींच कर आप टाइम वेस्ट करते ही हो, तो क्यों ना थोड़ा सा इन्हेंस किया जाए अपने स्किल को और एक वैल्यूएबल फ़ोटो खींच के अपलोड किया जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ हेल्प करेगा आपके कुछ पार्ट टाइम अर्निंग में। और बहुत जल्दी मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल वीडियो के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।